उन रोबर्स के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं। क्या मतलब हम कंप्लेंट भी नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं काकी, लेकिन ये एक ब्लाइंड केस है। ऐसे केसेस अक्सर जीरो एविडेंस की वजह से गलती मेरी थी, मुझे गाड़ी रोकनी नहीं चाहिए थी, तो चल कर निकल जाना चाहिए था। राजू, अरे राजू, शाम राजू सुन तो। ओके, हम देख रहे हैं कि राजेश के घर पे पुलिस आई है कुछ इंक्वायरी करने पर, राजेश कुछ मना कर देते हैं, वो सीन जाना चाहता है। देखिए, हर इंसान के मन में ना कहीं किसी प्रकार का डर छुपा होता है। वो पैसे नहीं है उसका डर होता है, अपने घर वालों की सुरक्षा को लेकर डर होता है, अपनी जान के लिए डर होता है। तो ये एक ऐसा एपिसोड है जहाँ पर राजेश का एक डर है, जिससे वो ऐसे उसे लगता है कि वो डरपोक हो गया, लेकिन अंत में वो पता चलता है कि क्या है। हम भलाई करना चाहते हैं, हम भलाई करना चाहते हैं, लेकिन अक्सर सामने वाला ऐसे कई बार हो जाता है कि सामने वाला उसका गलत फ़ायदा उठाता है। तो उस तरह का एपिसोड है। राजेश को और वंदना को बीच सड़क पर रात को लूटा जाता है, तो फिर वो क्या होता है और फिर इसी सिलसिले में पुलिस आती है। तो पूरा एपिसोड जो है वो डर पर आधारित है। अभी ऐसा है कि मदद करना अच्छी बात है, मतलब हम वही होते ना, हम अच्छा ही करने जाते हैं, लेकिन फिर जब ऐसा कुछ हो जाता है तो आपके मन में डर बैठ जाता है। तो ये क्या करें, मतलब ये बहुत बहुत मुश्किल है इसके बारे में ऐसे बोलना, लेकिन हाँ अच्छाई तो करनी चाहिए, लेकिन फिर सावधानी भी बरतनी चाहिए मुझे लगता है। कोई वाले के तो बात करें तो कोई ना कोई हर एक दिन हर एपिसोड में ट्विस्ट आता ही है जी। तो आप अपकमिंग में कुछ हिंट देना चाहेंगे लोगों को? काफ़ी सारे एपिसोड्स हैं जिनमें कुछ ना कुछ आने वाला, क्योंकि हमने बहुत सारे एपिसोड ऐसे करके रखे, तो अभी मुझे अभी याद नहीं कि अभी कौन सा एपिसोड, क्योंकि नॉर्मली हम लोग वो जो लाइनअप है वो चेंज करते हैं प्रोड्यूसर, और वो एक क्रिएटिव कॉल होता है कि नहीं अभी फिलहाल ये चल रहा है, तो उसका जो एपिसोड होगा यू नो उस टाइप का एपिसोड होगा, उसे हम टेलीकास्ट करेंगे। तो है काफ़ी सारे एपिसोड्स है, कुछ एक बुरी आदत पर है, स्मोकिंग के ऊपर है, तो ऐसे कुछ एपिसोड्स हैं जो देखने में बड़ा मज़ा आएगा, उससे 100% सीख तो मिलेगी।